सर्वधर्म सेवा संस्था भिलाई द्वारा भिलाई निवास के कॉफी हाउस में संस्था के संरक्षक वीरेन सतपति की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई। बैठक में विभिन्न विषयों सहित आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में संस्था के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिन ब दिन बढ़ती गर्मी को देखते हुए पानी बचाने हेतु निवेदन अभियान सार्वजनिक नलों के पास स्टिकर लगाकर 1 मई से प्रारंभ किया जाएगा। सुरक्षा के प्रथम प्रातः प्रहरी हमारे सफाई कर्मचारियों भाइयों का सम्मान श्रमिक दिवस 1 मई को शहीद कौशल नगर हुडको में परी गार्डन के निकट सुबह 10 बजे से किया जाएगा। बैठक का संचालन संस्था के अध्यक्ष प्रतीक भोई द्वारा किया गया। इस बैठक में वीरेंद्र सतपति, प्रतीक भोई, राकेश रत्नाकर, सुरेश खांडवे, प्रकाश गावड़े, शिवाकांत गिरी, वसंत सालकर, योगेंद्र शर्मा, रविंद्र बरगढ़, मिलिंद साखरे, उपेंद्र पांडे, अशोक सोनी, दीपक दास, नोहर सिंह, निर्मल कुमार टंडन, के साहू, फरीदा बेगम, ज्योति शर्मा, अलका दास, बॉबी दिलीवार, गायत्री गोस्वामी आदि की उपस्थिति रही। आप सबसे मैं अपील करूँगा कि जैसा कि सब जानते हैं, जल है तो कल है। यदि कल के दिन को हमको सुरक्षित रखना है तो जल को सुरक्षित रखना पड़ेगा। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पिताजी पढ़े थे, शायद उनके पिताजी भी पढ़े थे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष जून। कुछ नहीं, सत्यनारायण कथा का प्रसाद हो गया, ये खाए सिर में पोछे चलते गए। कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया कि वो क्या था, वो चौपाई का अर्थ क्या था। सब सुने लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं किया, उस चीज़ को कोई माने नहीं। अब वो दिन नहीं रह गया, हम सबको साकार होना पड़ेगा, सकारात्मक रुख अपनाना पड़ेगा और इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि जल कहीं पर व्यर्थ न जाए। जल है तो कल है। धन्यवाद। हमने सभी ने सुना है और बहुतों ने देखा है इस चीज़ को कि कुएं से, नदी से, तालाबों से हम अपनी अंजलि में पानी एक समय में पीते आए थे और बहुत समय तक हमने पिया है। वो समय था और आज बिसलरी तक का जो समय है वो दूरी हम तय कर चुके हैं। पानी के प्रदूषण, पानी का अभाव, इन चीज़ों को हम भली भांति जानते हैं और अभी हम इन चीज़ों को नहीं रोकें तो आने वाला हमारा जो भविष्य है, हमारी पीढ़ी है, वो कैप्सूल तक आ जाएगी। इसलिए हम इन गंभीरता को समझते हुए सभी से यही निवेदन करूंगा कि जल बचाएं, कल बचाएं। धन्यवाद। हम सबने बहुत सुना था कि पहले नदियों में, कुओं में लोग नहाते थे, अब वो पानी दूषित हो गया है तो हमें अब निर्भर रहना पड़ रहा है भूजल पर और भूजल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए जीवन में हम ऐसे कुछ काम करें जिससे कि हम जल का संरक्षण कर सकें। भूजल को जितना बचाएंगे तभी हमारा जीवन सफल होगा। भूजल को कैसे बचाएं तो सबसे पहले महिलाओं से ही अनुरोध करूंगी कि महिलाएं ही घर के अंदर जो भूजल स्तर जो नीचे हो रहा है उस पर कोशिश करें कि घर के कामों में पानी का उपयोग थोड़ा सोच समझ कर करें। इसे कैसे कर सकते हैं कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी, कुछ चीज़ें आप करें। फ्लश होता है, फ्लश में आप 1 लीटर के पानी की बॉटल जो होती है आपके घर में उसमें रेत भरकर उसमें टैंक में डाल दीजिए, जिससे कि फ्लश जब आप करेंगे तो कम से कम रोज़ आपके घर में 4 लोग भी होंगे तो 4 लीटर पानी आपका बचेगा। आरओ का पानी है वह आप एकत्रित करिए, बगीचे में डालिए, बर्तन को धोइए, घर में पोछा लगाइए, कपड़े धोने में इस्तेमाल करिए। इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम अपने बगीचा है, बगीचे में आप जो भी पेड़ लगाते हैं उसमें आप घास भी लगाएं साथ में, उससे पानी आपको कम डालना पड़ेगा, पानी आपका कम अवशोषित होगा पेड़ों पर और इससे भूजल स्तर पर आपकी और बारिश का पानी को कोशिश करिए कि जितना अधिक से अधिक आप स्टोर कर सकते हैं अपने बगीचे में, अपने घरों में। वाटर हार्वेस्टिंग तो लगाना ही है। कार को धोने समय कोशिश करिए कि बाल्टी में पानी ले, स्पंज से कार को धोएं, पुरुषों से अनुरोध है इसके लिए। कोशिश करें कि रोज़ एक गीला कपड़ा कर ले, उसी से अपनी गाड़ी को पोंछ ले तो हफ्ते में 1 दिन ही गाड़ी धोना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम इस्तेमाल करें घर पर तो हम काफ़ी सारा जल का संरक्षण कर सकते हैं। हमें जल का दुरुपयोग करने से, अपव्यय करने से रोकना होगा क्योंकि जल है तो जीवन है और अगर जल नहीं है तो जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। एक लाइन बोलना चाहूँगी। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके, फिर नहर बनी
नदियाँ गहरी तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हम सभी जानते हैं कि भागीरथी जी के अथक प्रयास के बाद जल इस भूमि पर आया और एक तरह से कहा जाए तो ये देवताओं का के द्वारा दिया गया एक प्रसाद, एक अमृत है जो हमें जीवन दान देता है। और अगर हमने इस अमृत का मोल नहीं पहचाना तो हमें गरल पीने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जल कैसे बचाना है ये हम सभी को पता है, लेकिन हमारा प्रयास उस दिशा में हो इसकी कोशिश करनी है, अन्यथा हम सभी उस गरल के विशाल समुद्र में डूबने के लिए तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद। एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।